हेलो फ्रेंड, युवा कंप्यूटर एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा डीसीए और पीजीडीसीए से होने वाला, डीसीए सेकेंड सेम और पीजीडीसीए सेकेंड सेम से होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो जो होने वाला है हमारा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग पीजीडीसीए सेकेंड सेम के लिए रहेगा और डीसीए के लिए रहेगा। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग में यूनिट नंबर 1 में जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, वेब पब्लिशिंग क्या है, वेब पेज की पब्लिशिंग प्रक्रिया को समझाइए, या फिर यही क्वेश्चन आपका अथवा में आता है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बारे में आज का हमारा वीडियो रहेगा। और दोस्तों, इसके पहले भी मैंने काफी वीडियो आपको लिए YouTube में अपलोड किया हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर वेब पब्लिशिंग की। किसकी? वेब पब्लिशिंग की। वेब पब्लिशिंग क्या होता है? वेब पब्लिशिंग दोस्तों, वेब पब्लिशिंग क्या होता है? इसके पहले आपको वेब के बारे में जानना होगा कि दोस्तों हमारी वेब क्या होती है। दोस्तों वेब का मतलब ये होता है कि वेबसाइट होता है। क्या होता है? वेबसाइट मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जब हम क्या करते हैं कि HTML कोडिंग करके, किसका यूज करके, HTML भाषा का यूज करके हम वेब पेज बनाते हैं। क्या करते हैं? वेब पेज बनाते हैं और वेब पेज का बहुत सारा कलेक्शन जो होता है आपका, वो क्या कहलाता है? वेबसाइट। तो वेब पेज के कलेक्शन को क्या, वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर वेबसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेबसाइट। तो कोई भी वेबसाइट बनाने के बाद हमको क्या करना होता है, उसके कंटेंट को, ठीक है, जो हमारी वेबसाइट है, ठीक, वेबसाइट के कंटेंट को क्या करना होता है, इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको पब्लिक करते हैं। क्या करते हैं? पब्लिक करते हैं। तो पब्लिक जो होता है दोस्तों, पब्लिक करना ही हमारा क्या कहलाता है? वेब पब्लिशिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेब पब्लिशिंग। कहने का मतलब ये है कि किसी भी जानकारी को या कंटेंट को इंटरनेट में, क्या, इंटरनेट में वेबसाइट के माध्यम से पब्लिक करना ही वेब पब्लिशिंग कहलाता है, ठीक। सीधा सा क्या हो जाएगा कि दोस्तों यहां पर इंटरनेट में वेबसाइट के माध्यम से कंटेंट को इंटरनेट के माध्यम से या मैं बोल सकता हूं इंटरनेट में किसी भी जानकारी को पब्लिक करना क्या कहलाता है हमारा, या प्रकाशित करना वेब पब्लिशिंग कहलाता है। वेब पब्लिशिंग कहलाता है, ठीक। सीधा सा शॉर्ट में ये है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाने के लिए हमको क्या है, वेबसाइट बनाने के लिए वेब पेज को इकट्ठा करना पड़ता है, ठीक है। तो वेब पेज के समूह को हम क्या कहते हैं? वेबसाइट। और वेबसाइट बनाने के बाद इंटरनेट में हमको उसको क्या करना पड़ता है, पब्लिक करना पड़ता है, जिससे कि इंटरनेट में वेबसाइट को सर्च करें तो उसका डेटा यूजर के पास पहुंचे, है ना। तो हमको क्या करना होता है, पब्लिक करना होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वेब पब्लिशिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन क्या होता है। क्या? डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, ठीक। डोमेन नेम
रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ठीक। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है दोस्तों? डोमेन नेम का मतलब होता है यहां पर आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम, हम क्या बोलते हैं उसी नाम को ही क्या बोलते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन। मतलब जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं वेब पेजों के कलेक्शन करके, ठीक है, वेबसाइट किसको बोलेंगे कि वेब पेज के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट, वेबसाइट को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है, किसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। आप जो हमारी वेबसाइट होगी, क्या होगी, वेबसाइट होगी, वेबसाइट का डेटा हमारा किसमें, www में सेव होता है, किसमें होता है दोस्तों, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो हम वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, वेब पेज के कलेक्शन को, कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। और दोस्तों वेबसाइट जो होती है आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, जैसे HTML होता है, HTML का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर HTML भाषा का यूज करके क्या करते हैं, हम वेब पेज बनाते हैं, क्या करते हैं, वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज, वेब पेज बनाते हैं। अब ये सारे वेब पेज के कलेक्शन को हम कलेक्शन कर देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेबसाइट कहेंगे। अब भाई वेबसाइट बनाने के बाद हमको क्या करना होगा, वेबसाइट का नाम भी इंटरनेट पर रजिस्टर्ड कराना होगा, ठीक है। जिसको क्या करेंगे, व्यक्ति या यूजर आपका वेबसाइट का नाम ही सर्च करते हैं, क्या करते हैं, नाम को ही सर्च करते हैं। तो वेबसाइट बनाने के बाद हमको क्या करना होता है, वेब सर्वर में, किसी वेबसाइट को बनाने के बाद इसको क्या करना होता है, वेब सर्वर में, वेब सर्वर में क्या करना होता है, हमको रजिस्टर्ड कराना होता है, क्या करना होता है, वेब सर्वर में वेबसाइट के नेम को रजिस्टर्ड कराना होता है, क्या कराना होता है, वेबसाइट के नाम को रजिस्टर्ड कराना होता है, जिस पर क्या होता है, जिस नाम को ही क्या किया जाता है, इंटरनेट पर पहचाना जाता है, क्या किया जाता है, इंटरनेट पर पहचाना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो होती है, ठीक है, वेबसाइटों का कलेक्शन आपका होता है किसमें, www में होता है, किसमें होता है, www में। और www में प्रत्येक जो वेबसाइट है आपकी, प्रत्येक वेबसाइट का डेटा आपका किसमें होता है, यहाँ पर वेब सर्वर में स्टोर होता है, किसमें, वेब सर्वर में, वेब सर्वर में स्टोर होता है दोस्तों। अब वेब सर्वर में जो हमारी वेबसाइट का डेटा होगा, है ना, उसको अपलोड करने की प्रक्रिया को वेब होस्टिंग कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वेब होस्टिंग। तो कुल मिला के यहाँ पर हमको क्या करना होता है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं और उसको इंटरनेट में पब्लिक करना है, डेटा अपलोड करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर वेब सर्वर में क्या करना होता है कि एक वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिस, ठीक, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर, मैंने बोल दिया www.yuva.com, ये हमारी क्या है, एक वेबसाइट है, ठीक है, क्या है, एक वेबसाइट। तो इस वेबसाइट को इंटरनेट में जाना जाता है, ना कि हमको जाना जाएगा, किसको जाना जाएगा, वेबसाइट को। तो ये वेबसाइट हमारी क्या होगी दोस्तों, www में या वेब सर्वर में क्या कराना होगा, इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमको दोस्तों क्या करना होता है यहाँ पर, कि हमको बड़ी बड़ी कंपनियां से डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जैसे वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन करने की जो कंपनियां हैं आपकी, वो कौन सी है, जैसे आपकी एक हो गई वेब कॉम सिस्टम, ये क्या है, आपके वेबसाइट रजिस्टर्ड करने की एक कंपनी है हमारी, ठीक है। और है जैसे संजीवनी इंफोटेक, क्या है, संजीवनी इंफो, संजीव ऐसे एन जे,
आई वी आई संजीव संजीवनी संजीव इन्फोटेक है क्या संजीव इन्फोटेक इन्फोटेक ठीक है। ये हमारी क्या है यहाँ पर बड़ी 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 कंपनियां हैं इन्फोटेक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये लिमिटेड कंपनी है। तो ये क्या करती हैं आपको वेबसाइट का नाम रजिस्टर्ड करती हैं और वेब सर्वर में आपको क्या करती हैं यहाँ पर वेब स्पेस अलाउ कराती हैं ठीक है। जिसका यूज करके हम क्या करते हैं वेबसाइट के डेटा को अपने वेबसाइट में अपलोड करते हैं और डाउनलोड अपलोड करते हैं ठीक है। और वेबसाइट का नाम देते हैं ठीक है जिससे हमारा वेबसाइट का नाम इंटरनेट में कोई भी सर्च करता है तो वेबसाइट से रिलेटेड जानकारी को एक्सेस कर पाता है ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन ठीक। कुल मिला के क्या है वेबसाइट बनाने के बाद उसको क्या करना होता है हमको वेबसाइट के नाम को रजिस्टर्ड कराना होता है। रजिस्टर्ड कराने से हमको क्या मिल जाएगा एक वेबसाइट का नाम मिल जाएगा जिसको व्यक्ति या यूजर इंटरनेट में सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। ये हमारा डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन पर लिखना है ठीक। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के बाद हमको वेबसाइट के लिए होस्ट सर्वर में स्थान कैसे मिलता है ठीक है। अगला हेडिंग जो रहेगा दोस्तों यहाँ पर अगला हेडिंग रहेगा वेबसाइट के लिए होस्ट सर्वर पर स्थान वेबसाइट के लिए होस्ट सर्वर पर स्थान ठीक। मतलब क्या होता है दोस्तों कि हमको क्या करना होता है यहाँ पर जब हम क्या करते हैं वेबसाइट बनाते हैं क्या करते हैं वेबसाइट बनाते हैं और वेबसाइट बनाने के बाद हमें क्या करना होता है इस पर इंटरनेट पर क्रियान्वित करने के लिए वेबसाइट बनाते हैं और इसको क्या करना होता है हमको इंटरनेट पर क्रियान्वित का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारी वेबसाइट का नाम कोई सर्च करे तो इंटरनेट पर आना चाहिए। इसके लिए हमको दोस्तों यहाँ पर क्या करना होता है कि वेब सर्वर में क्या करना होता है वेब सर्वर में स्पेस लेना होता है। वेब सर्वर क्या होता है दोस्तों कि www में क्या होता है किसी एक वेबसाइट की सारी जानकारी किसमें स्टोर होती है वेब सर्वर में या हम बोलते हैं वेब सर्वर में वेब पेज स्टोर होते हैं। क्या होते हैं वेब पेज स्टोर होते हैं ठीक है। तो वेब पेज स्टोर करने के लिए हमको क्या करना होगा भाई जहाँ हमारा इंटरनेट में जो भी वेबसाइट होती है वो वेब पेज के रूप में स्टोर रहती है ठीक है। तो वेब पेज हमारे कहाँ स्टोर रहते हैं वेब सर्वर में सीधा सा है ठीक। अब हम क्या करते हैं वेबसाइट बनाते हैं इंटरनेट पर क्रियान्वित करने के लिए हमको क्या करना होगा वेब सर्वर में स्पेस लेना होगा। क्या स्पेस SPACE स्पेस अलाउ कराना रहता है। तो हमको वेब सर्वर में जो स्पेस मिलता है वो किसमें मिलता है MB मेगाबाइट और GB में मिलता है किसमें GB में गीगाबाइट। ये जो आपका स्पेस होगा MB और GB में तो ये आपके वेबसाइट के साइज के आधार पर होता है किसके वेबसाइट के साइज के आधार पर होता है किसमें साइज कि आपको वेबसाइट में कितना डेटा अपलोड करना है। क्या करना है वेबसाइट में कितना डेटा अपलोड करना है और इस स्पेस के बदले में आपको यहाँ पर मूल्य चुकाना होता है। क्या मूल्य चुकाना होता है ठीक है। और इसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं होस्ट सर्वर पर वेबसाइट को अपलोड कर सकते हैं ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्लियर होता है कि वेबसाइट के लिए होस्ट सर्वर पर स्थान क्यों लेना होता है ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट बनाते हैं इंटरनेट पर क्रियान्वित करने के लिए और इंटरनेट में हम वेबसाइट क्रियान्वित करेंगे उसमें कोई डेटा अपलोड करेंगे तो वेब सर्वर में हमको क्या लेना होगा स्पेस लेना होगा। वो स्पेस हमारा MB और GB में मिलता है इसके बदले में हमको क्या मूल्य चुकाना होता है ठीक है। इसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपनी वेबसाइट का डेटा क्या कर सकते हैं होस्ट सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट का डेटा। होस्ट सर्वर क्या होता है दोस्तों जो हमारे
वेबसाइट के लिए स्पेस प्राप्त होता है, किसमें? वेब सर्वर में। उसी स्पेस को हम क्या कहते हैं? होस्ट सर्वर कहते हैं, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि कुछ वेब पब्लिशिंग के तत्व कौन कौन से हैं, वेब पब्लिशिंग के कंपोनेंट, मतलब कि वेब साइट को पब्लिक करने के लिए हमको कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से सॉफ्टवेयर की लगेगी। तो यहाँ पर वेब पब्लिशिंग के तत्व आपके तीन होते हैं। कितने? तीन तत्व हैं आपके यहाँ पर। कितने तत्व होते हैं? तीन तत्व होते हैं। पहला आ जाएगा दोस्तों आपका वेब ब्राउजर। क्या जाएगा? वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर। दूसरा जाएगा वेब कुकीज। दूसरा क्या जाएगा? वेब कुकीज। तीसरा आ जाएगा दोस्तों आपका वेब सर्वर आ जाएगा। क्या जाएगा? वेब सर्वर, वेब सर्वर। तो दोस्तों वेब ब्राउजर क्या होता है आपका? मैंने पिछला वीडियो आपको वेब ब्राउजर से रिलेटेड अपलोड किया हुआ था। वेब ब्राउजर क्या होता है दोस्तों? जब हम क्या करते हैं, सर्च इंजन के द्वारा, किसके द्वारा? सर्च इंजन के द्वारा कोई भी जानकारी सर्च करते हैं या कोई वेबसाइट सर्च करते हैं तो उसको स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। क्या करता है? जानकारी को व्यू करने का काम करता है वेब सर्वर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेब कुकीज। तो वेब कुकीज क्या होता है दोस्तों? कि जब हम क्या करते हैं यहाँ पर वेबसाइट को पब्लिक करते हैं, क्या करते हैं? पब्लिक करते हैं तो डेटा को ये जांचती है। क्या करती है? डेटा की जांच करती है। जो आप वेबसाइट में वेब पेज अपलोड करोगे ना, उसको जांच करने का काम किसका रहता है? वेब कुकीज का। अब हम बात करें वेब सर्वर में, तो वेब सर्वर का क्या होता है दोस्तों? वेब सर्वर में हमारी वेबसाइट में जो वेब पेज होते हैं वो क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। किसमें? वेब सर्वर में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।